वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके के 20 ऐसे इम्पॉर्टेंट सवाल जैसा सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप इस क्यू टेस्ट को अंत तक ज़रूर खेलिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप जल्दी सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के नए केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, और ये सवाल कल Q4U में पूछे गए थे, राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, आम लोगों के घरों पर, ये सभी जगह फहराए जा सकते हैं। ऐसा अलाउ पहले नहीं था, ये 2002 में अलाउ करा गया कि आप कहीं भी प्राउड फील करते हुए अपने राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले के अनुसार पीड़ित की ओर से दहेज उत्पीड़न की शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? कोई भी रिश्तेदार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अब कौन सी रंगीन नंबर प्लेट अनिवार्य है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरा रंग की इलेक्ट्रिक वाहनों में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़े हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की पहली विशेष महिला क्रिकेट पत्रिका हाल ही में लॉन्च की गई है, इस पत्रिका का नाम बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिक जोन। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, चूहे मारने का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड का। क्वेश्चन नंबर 10, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर ए महाभारत। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 12, किस पहले क्रिकेटर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्यों। बाबर, हुमायूं, अकबर ये सभी मुगल वंशी थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के था, यही ऑड है। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल बहुत सिंपल और अच्छे हैं। ए बी बी सी सी डी डी ई एफ। तो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑफ नॉट ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्या होगा ये सोचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एफ जी। कैसे, ये सिंपल है। ई एफ एफ जी, एक एक आपका लेटर रिपीट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संसद को कम से कम 10 बैठक होनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब ने अपने पिता डैस को आगरा किले में कैद करके रखा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 17, तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और डैस के बीच लड़ी गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध 1191-92 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बीजेपी के पहले नेता जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया सॉरी सम्मानित किया गया है, उनका नाम बताइए। क्वेश्चन क्लियर है कि बीजेपी के पहले नेता जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को अंधनांगा फकीर किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चर्चिल। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे?
यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। आपने वीडियो को उम्मीद करता हूं कि लाइक कर दिए होंगे, और जो लाइक कर दिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जो करेंगे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ ये बटन पर क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।